मनमोहन जी ने कभी नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, उन्होंने कई जातियों का नाम लिया। अब बताइए मोदी जी कब कहने वाले हैं कि देश के तमाम संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अडानी और अंबानी का है। मैं आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहले दिखा दूं, इसमें आप मुझे दिखाइएगा मैडम कहाँ पे लिखा हुआ है। मैनिफेस्टो साथ लेकर आए क्योंकि प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा जिक्र किया था। बताइए मुसलमान वाला कहाँ लिखा है कि मुस्लिम लीग कहाँ पे लिखा है बताइए हमको। ए भाई आगे लाके दिखाइए ना, इसमें हिस्सेदारी की बात की गई है, वरिष्ठ विकलांग लोगों की बात की गई है, इसमें महिला की भागीदारी की बात की गई है, युवा न्याय की बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है। हो सकता है शिक्षा की बात हो जाए तो मोदी जी भी पढ़ लिख ले। खेल की बात हो गई है, नारी न्याय की बात हुई है, किसान न्याय की बात हुई है, मछली पालन मछुआरों के लिए बात हुई है, श्रमिक न्याय के बारे में बात हुई है, संवैधानिक न्याय के बारे में बात हुई है, न्यायपालिका और मीडिया के बारे में बात हुई है, भ्रष्टाचार के लिए बात हुई है, आर्थिक न्याय के बारे में बात हुई है। मुसलमानों का नाम कहाँ है? बेरोजगारी नौकरी की मांग के लिए, उद्योग के लिए बात कर रहे हैं, बुनियादी ढांचा के लिए लेकर घूम रहे हैं आप साथ। इसमें राज्य न्याय की बात की गई, मुझे इसमें मुसलमानों का वो बताइए मैडम, हर जी घुमाइए। इसमें उत्तर पूर्वी राज्य की बात की गई है, रक्षा न्याय की बात की गई है, इसमें आंतरिक सुरक्षा विदेश नीति की बात, पर्यावरण न्याय की बात की गई है। अब इसमें मुसलमानों का नाम कहाँ है मैडम आप दिखाइए। हम तो इतना ही कह रहे हैं मोदी जी मैनिफेस्टो एक बार पढ़ लिया। हाँ सा पर एक मात्रा, दा पर आ के मात्रा और रा पर बड़ी के मात्रा। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैडम अनपढ़ आदमी को कैसे मोदी जी समझ रहे हैं कि वो पढ़ नहीं पाए हैं क्या? उन्होंने देखा नहीं है क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या?